लोटस आयुर्वेदा इंडिया में आपका स्वागत है। मैं हूं उत्पल चौधरी। आज हम बात करेंगे महिलाओं को प्राइवेट पार्ट की बेहतर हेल्थ के लिए करने चाहिए ए काम, नहीं होगी खुजली और रैशेस की समस्या। तो क्या करना है आपको, मैं आपको बता रहा हूं। तो आइए शुरू करते हैं, लेकिन उससे पहले बोलना चाहूँगा, चैनल आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकॉन की घंटी बजा दें जिससे हमारे आने वाले सभी वीडियो सबसे पहले आपको मिले। वीडियो लाइक करें, फैमिली और फ्रेंड के साथ शेयर करें। तो आइए शुरू करते हैं आज का वीडियो। महिलाओं को वजाइनल हेल्थ का हमेशा खास ख्याल रखना होता है। ऐसा ना करने पर योनि में खुजली, रैशेस और पेशाब के दौरान जलन तथा दर्द होने जैसी समस्याएं हो सकती है। यहाँ तक कि अगर इस तरह की समस्या को इग्नोर कर दिया जाए तो यूटीआई यानी यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन की शिकायत भी हो सकती है। जाहिर है ये सब चीज़ें सही नहीं है आपके लिए। इस तरह की समस्या आपके साथ ना हो इसके लिए आवश्यक है कि आप वजाइनल हेल्थ का पूरा ध्यान रखें। साथ ही कुछ ऐसे टिप्स अपनाएं जिनकी मदद से खुजली और रैशेज वाली समस्या ना हो। यहाँ हम आपको ऐसे ही कुछ सजेशंस दे रहे हैं जिन्हें आप फॉलो कर सकती हैं। इससे प्राइवेट पार्ट की हेल्थ बेहतर रहेगी। महिलाओं को प्राइवेट पार्ट की बेहतर हेल्थ के लिए क्या करना है ये मैं आपको बता रहा हूँ। कई महिलाएं वजाइनल हेल्थ को बेहतर करने के लिए नियमित रूप से योनि की सफाई करती हैं। इसमें कोई बुराई नहीं है, लेकिन इसके लिए स्पंज या किसी कपड़े का इस्तेमाल करना सही नहीं है। हर महिला को सादे पानी से ही योनि की सफाई करनी चाहिए और इसके लिए हाथ का उपयोग करना चाहिए। कपड़े या स्पंज से क्लीनिंग के दौरान योनि में चोट लग सकती है। माइल्ड सोप का इस्तेमाल करें। मेरा ऐसा मानना है कि योनि की सफाई के लिए किसी तरह की केमिकल प्रोडक्ट का यूज करने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि योनि में दो तरह के बैक्टीरिया होते हैं, गुड और बैड। अगर आप हर साबुन का उपयोग करते हैं तो इससे योनि में मौजूद बैड बैक्टीरिया के साथ साथ गुड बैक्टीरिया भी मर जाते हैं। ऐसे में योनि में रैशेज इचिंग की समस्या हो सकती है। अगर आपको साबुन का इस्तेमाल करना है तो उसके पीएच लेवल पर ध्यान देना जरूरी है। इंटरनल पार्ट को जोर से नहीं रगड़ना है। कई बार हाइजीन की सही तरह से ध्यान ना रखने के कारण महिलाओं की योनि में खुजली और रैशेस की समस्या हो जाती है। ऐसी कंडीशन में अक्सर महिलाओं के लिए खुजली असहनीय हो जाती है, नतीजतन जोर से रब करने लगती हैं। ये सही नहीं है, ये गलत है। ध्यान रखें कि प्राइवेट पार्ट को जोर से रगड़ने से या खुजली करने से रैशेस हो सकते हैं, स्किन छिल सकती है। ऐसे में यूरिन पास करते समय जलन की समस्या भी पैदा हो सकती है। अगर आपको इचिंग होने लगे तो तुरंत आप डॉक्टर को बताएं, और अपने डॉक्टर को बताया हुआ है, उसने कोई मेडिसिन या क्रीम दिया हुआ है तो वो उस पर लगाएं। परफ्यूम या डिओड्रेंट ना लगाएं। परफ्यूम डिओड्रेंट जैसी चीजों का उपयोग योनि में नहीं करना चाहिए। योनि की अपनी एक विशेष गंध होती है। अगर आप इस पर केमिकल प्रोडक्ट को यूज करने की कोशिश करते हैं तो इससे योनि में दिक्कतें हो सकती हैं। यहाँ तक कि केमिकल के कारण खुजली और जलन जैसी समस्या भी पैदा हो सकती है। अंडरगारमेंट की सफाई पर ध्यान दें। कई बार महिलाएं अपने लिए अच्छी क्वालिटी की अंडरगारमेंट्स तो खरीद लेती हैं, लेकिन इसके बावजूद योनि में खुजली की समस्या बनी रहती है। सवाल है, ऐसा क्यों होता है? दरअसल अच्छी क्वालिटी के फैब्रिक के साथ साथ ये बात भी मायने रखती है कि आखिर आप किस
पाउडर या डिटर्जेंट या साबुन किससे इसकी सफाई कर रहे हैं। अगर आप खराब क्वालिटी का डिटर्जेंट या वॉशिंग पाउडर यूज़ करेंगी तो ऐसे में योनि की हेल्थ पर नेगेटिव असर पड़ सकता है। तो ये था हमारा खास वीडियो सभी महिलाओं के लिए। आपको कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताएं, और कुछ जानना चाहते हैं, कुछ पूछना चाहते हैं तो इस वीडियो के नीचे या किसी भी वीडियो के नीचे कमेंट करके पूछ सकते हैं। मैं कोशिश करूंगा जल्दी से जल्दी आपके हर प्रश्न का जवाब देने का। धन्यवाद।